मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। हमारी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और सोनोग्राफी पे पता चलता है कि बेबी तो है लेकिन उसके साथ हमारे अंडाशय में एक गठान है या सिस्ट है जिसको हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं और हम चिंतित हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान बेबी के साथ अपने अंडाशय में ओवरीज में जब सिस्ट होते हैं तो उसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अपने ओवरीज में सिस्ट रहना यानी कि पानी की गांठ रहना ये एकदम आम बात है। लगभग 2% प्रेगनेंसीज में ये पानी की गांठ ओवरी में दिखाई देती है जिसको हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। ओवेरियन सिस्ट या ट्यूमर कई टाइप के हो सकते हैं, तो हम सिंपल से डिविजन करेंगे। सिस्ट 6 सेंटीमीटर से छोटा है जिसको हम सिंपल सिस्ट कहते हैं, उसमें पानी की तरह फ्लूइड रहता है। यूजुअली ऐसे सिस्ट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक रहती है सिंपल सिस्ट जिसमें पानी जैसा फ्लूइड रहता है और वो एक सिंपल सी एक ही सैक रहती है अपने ओवरी के अंदर। दूसरा टाइप रहता है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। कॉम्प्लेक्स सिस्ट में इंटरनली सिस्ट के अंदर छोटे छोटे पर्दे रहते हैं और कभी कभी उसमें खून रहता है। और तीसरी सिस्ट रह सकती है कैंसरस सिस्ट, यानी कि ओवरी में पानी के साथ सॉलिड टिश्यू भी दिखाई देता है और ये बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ती है। लेकिन ये कैंसरस सिस्ट बहुत ही रेयर कंडीशन रहती है। मोस्टली जो ये ओवरीज में अपने अंडाशय में सिस्ट होती है ये पहले और दूसरे तिमाही में हमारे सोनोग्राफी पे दिखाई देती है। इसके कोई से खास लक्षण नहीं रहते। और वैसे देखा जाए तो ये सिस्ट पहले तिमाही के बाद धीरे धीरे रिग्रेस हो जाती है या दिखाई देना बंद हो जाता है। जब तक ये सिस्ट 6 सेंटीमीटर से छोटी रहती है तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती जब ये सिंपल सिस्ट होती है। सबसे कॉमन सिस्ट होती है कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट ऑफ प्रेगनेंसी। ये पहले तिमाही में हमें दिखाई देती है। ये हमारे प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी रहती है बिकॉज ये कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निर्माण होता है और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमारे बेबी की ग्रोथ के लिए उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसीलिए ये कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट ऑफ प्रेगनेंसी जो पहले तिमाही में दिखाई देती है ये अपने बेबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कई प्रेगनेंसीज में फंक्शनल सिस्ट रहती है। जिस प्रेगनेंसी में HCG हार्मोन की मात्रा ज्यादा होती है यानी कि मूलार प्रेगनेंसी रहती है और जुड़वा तिकड़ी रहती है जिसमें HCG हार्मोन का निर्माण ज्यादा होता है, उन केसेस में फंक्शनल सिस्ट रहती है और ये दोनों ओवरीज में रहती है। ये भी अपने आप दब जाती है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहती। कभी ऐसे दिखाई देता है प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लेक्स सिस्ट दिखाई देती है। जो कॉमन कॉम्प्लेक्स सिस्ट रहती है, जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट रहती है, जो चॉकलेट सिस्ट रहती है, प्रेगनेंसी के दौरान इस टाइप की सिस्ट जो रहती है वो छोटी 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 होती है, उसे इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होता, वो छोटी हो जाती है और वो ट्विस्ट होने के चांसेस भी नहीं होते। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान जब चॉकलेट सिस्ट रहती है तो हमें बिल्कुल डरना नहीं है, वो कभी रप्चर नहीं होने वाली, वो कभी ट्विस्ट नहीं होने वाली और वो यूजुअली प्रेगनेंसी के दौरान छोटी हो जाती है। और एक टाइप की सिस्ट हमारे ओवरीज में रहती है, ये प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले से रहती है, जिसको हम डर्मोइड सिस्ट कहते हैं। और डर्मोइड सिस्ट प्रेगनेंसी में बड़ी नहीं होती लेकिन वो प्रेगनेंसी में रिजॉल्व भी नहीं होती। लेकिन ये डर्मोइड सिस्ट प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभी ट्विस्ट होने के चांसेस रहते हैं और ये जब ट्विस्ट हो जाती है तब हमें वो निकाल देनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे सिस्ट जो प्रेगनेंसी के दौरान हमें दिखाई देते हैं वो अपने आप पहले तिमाही के बाद चले जाते हैं, दूसरे तिमाही तक हम उसका फॉलोअप रखते हैं। जब ये सिस्ट बड़े हो जाते हैं, 8 से 10 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं, तो वो ट्विस्ट होने की संभावना बढ़ती है, ये रप्चर होने की संभावना बढ़ती है या कभी कभी इसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, दर्द हो सकता है, तभी हमें सर्जरी की जरूरत रहती है। सर्जरी कराने का
सबसे महत्वपूर्ण पीरियड रहता है दूसरी तिमाही। दूसरी तिमाही में ये हम लैप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन के द्वारा सर्जरी कर सकते हैं। जब ये सिस्ट बहुत ही बड़ी रहती है, उसमें सॉलिड पार्ट रहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट रहती है, 10 सेंटीमीटर से ऊपर रहती है, तो ये निकालना ज़्यादा अच्छी बात रहती है। और इसको निकालने का सही समय रहता है दूसरी तिमाही, जो 14 टू 16 वीक्स तक ये हम निकाल सकते हैं। ये हम दूरबीन से भी निकाल सकते हैं, ये हम सर्जरी करा के भी निकाल सकते हैं। जब ये सिस्ट पानी की रहती है, 8 से 10 सेंटीमीटर की होती है, तब हम सोनोग्राफी के गाइडेंस से उसमें नीडल डालते हैं और वो सिस्ट से हम पानी निकाल देते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया प्रेगनेंसी के दौरान जब सोनोग्राफी में हमें ओवेरियन सिस्ट दिखाई देती है तो पहले हमें बिल्कुल डरना नहीं है, ये एक आम बात है, ये प्रेगनेंसी के लिए सपोर्टिव रह सकती है और पहले तिमाही तक वो रिजॉल्व हो सकती है। पहले तिमाही ख़त्म होने के बाद भी वो 10 सेंटीमीटर से बड़ी है, वो बीच बीच में टर्न लेती है, ट्विस्ट लेती है, तो इसको ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। तो वो निकालने का सही समय 14 टू 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी रहता है और ये दूरबीन से भी हम हटा सकते हैं। और जब डॉक्टर को लगता है, जो सोनोग्राफी पे दिखाई देता है, एमआरआई पे दिखाई देता है और डॉक्टर को लगता है कि ये कैंसरस सिस्ट हो सकती है, तो डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए और हमारी प्रेगनेंसी गायनेक इनफर्टिलिटी आईवीएफ रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।